राजधानी पटना में बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि +2 और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 4203 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें सेवा में नियमित करते हुए नियोजन में समायोजन किया जाए। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पे शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं ताकि वो इस बार हम लोगों को आश्वासन केवल ना दे, कुछ लिखित रूप में हम लोगों को दे दे कि हाँ आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर है, आप लोगों को हटाया नहीं जा रहा है। हम लोग और भी सैलरी फिक्सेशन और रूल्स नियमावली के बारे में भी पूछने वाले हैं कि क्या हमारा कोई स्पष्ट नियमावली तैयार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नियमावली के अभाव में हमें डीओ से लेकर प्रिंसिपल हर कोई परेशान था। ये छलावा यदि सरकार सोच रही है कि हमारे ये छलावा किए गए हैं तो प्लीज हमें ये नहीं चाहिए। कार्यरत है और हमारी जो 5 बार हमारी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हम लोग के लिए नया कुछ ये सोच नहीं रहे हैं और हम लोग एकदम रिक्त स्थान दिखाया जा रहा है। हमें जो मांग है, हमें समायोजन चाहिए और 60 साल नौकरी, इतना प्रभारी हम लोग को टॉर्चर कर रहा है, हम लोग को चपरासी से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। हर जगह पैसा की डिमांड किया जा रहा है। हम लोग क्लास चलाना चाहते हैं, वहाँ कहा जाता है क्लास को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसलिए हम लोग की मांग है तो ये नियमावली बनाए। नया मास्टर आने से स्कूल बदल गया है, पहले सब आते थे अब लेट से, अब नया मास्टर आने से सब कुछ बदल रहा है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों को? 10 बार मिले। तो क्या उन्होंने बोला? बोला कि आप लोग को विचार किया जा रहा है। किस चीज पे आप लोग समायोजन करने का विचार किया? अब तो कोई स्टेटमेंट कोई सूचना है? कब आप लोग मिले थे? हम लोग लगभग लगातार 3-4 महीने से हम लोग शिक्षा मंत्री से मिल ही रहे हैं और मिल ही रहे हैं। तो आप लोगों से आश्वासन दिए थे? आश्वासन दिए थे, कोई नहीं रहे बात विचार दिया गया है, विचार आगे हमने क्या कमिटी का किए न कमिटी का किए न विचार हो रहा है। फिजिक्स बख्तियारपुर में है और हम यहाँ पे आए हैं अभी शिक्षा मंत्री से मिलने। हमारे सहयोगी लगभग 1 मंथ से बहुत पेशेंसली मिल रहे हैं सब मंत्री से, ताकि हमको जो है सो मतलब है कि बिना कोई हो हंगामा का मुझे आश्वासन मिले, पॉजिटिव साइन मिले, लेकिन नहीं मिला। तभी हम लोग भीड़ जुटा करके यहाँ आए। बस हम एक सवाल आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा मंत्री से, क्योंकि आज के डेट में यदि किसी मैट्रिक पास या इंटर पास को ही बोले कि हम आपको 2 साल के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भेज रहे हैं, क्या हम ज्वाइन वो करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग एक पॉजिटिव सोच लेके आए थे कि बिहार सरकार कभी किसी को नहीं हटाई, इवन बिहार सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड कहीं भी अतिथि शिक्षक को परमानेंट कर दिया गया, तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट क्यों आया कि एक स्पष्ट नियमावली आए ताकि हम लोग जो स्कूल में एक अच्छा से ये दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे हम लोगों से सेटिस्फाइड है। इवन हम लोग जब से गए हैं 9th-10th की क्लासेस भी बहुत ही रेगुलरली अच्छे तरीके से चल रहा है, बच्चे की संख्या बढ़ गई है हम लोगों के जाने के बाद। यही सच्चाई है सर, इसमें कोई झूठ कोई ये नहीं है। जो सरकार हम लोग के जिंदगी के साथ खासकर महाजन से खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम लोग कार्यरत हैं, सेवा में हैं, परार हैं, हम लोग के पोस्ट को रिक्ति में दिखाया जा रहा है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि किस आशा के तहत घर से निकलकर आप विद्यालय में हम जाए पढ़ाने, जब महाजन साहब बोल दिए कि इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, किस आशा के तहत जाए, यह सरकार को जवाब देना चाहिए। हम जो है सो मुख्यमंत्री जी से और महाजन साहब से बात करेंगे और आप लोगों को दक्षता लेकर सेवा नियमित करते हुए दक्षता परीक्षा लेकर नियमितीकरण के लिए हम विचार करेंगे, ये आश्वासन मुझे प्राप्त हुआ। रिटेन इन्होंने नहीं कहा है, कहा कि सदन चल रही है और हम जो है सो दक्षता लेते हुए नियमितीकरण पर विचार करेंगे, लेकिन अधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई। हम लोग शिक्षा मंत्री से यह मांग करने आए थे कि हम लोग 12 महीने से पदस्थापित हैं और महाजन साहब का बयान आता है कि आप लोग को नियोजन के उपरांत हटा दिया जाएगा, तो आप एक हमें आधिकारिक घोषणा कीजिए कि हम सेवा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी नियोजन होगी कि नहीं होगी। जब आप शिक्षा मंत्री होते हुए कह रहे हैं कि हम मेरिटोरियस हैं,
जब आप शिक्षा मंत्री रहते हुए कह रहे हैं कि आप लोग सभी का प्रमाण है कि 60-80% रिजल्ट हो गया, तो फिर हमारा नियोजन में समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि बहाली आप नियोजित भी कर रहे हैं और हमारी बहाली भी मार्च बेसिस पर है और हम लोग सभी 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षक बीएड और मास्टर डिग्री है, ट्रेंड है, जो नियोजित की योग्यता है वो हमारी योग्यता है, फिर हमारी नियोजन क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से आज बात करेंगे कि इनको एस्टेट हटाइए, दक्षता परीक्षा लेके नियमितीकरण कर। हम लोग 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षक पूरे बिहार में है।